नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान शास्त्रीय संगीत और नृत्य, इसे मात्र देखने या सुनने से आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहरों में से एक कथक नृत्य, जिनके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे, इसे लेकर हमारी टीम ने मुलाकात की कथक नृत्यांगना रिया दास से। मैडम, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आपका नाम क्या हुआ? रिया दास। रिया दास, अभी आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो? हम डांसिंग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कथक करते हैं। अच्छा, कथक करते हो? हाँ। कथक को आपने क्यों चूज किया? मुझे यही फॉर्म अच्छा लगता है, इसलिए। अच्छा। इस फॉर्मेट में क्या क्या है? क्लासिकल में सब कुछ पढ़ते हैं, ओडिसी, फिर भरतनाट्यम, कथक, फिर आपके कथकली, ये सब कुछ क्लासिकल में ही पढ़ता है, तो मैंने कथक ही चूज किया। मुझे कथक फॉर्म पसंद है। आप डांस कब से कर रहे हो? जब मेरा एज 2.5 साल की थी, तब से मैं डांस कर रही हूँ। डांस की तरफ आप कैसे आ गए? बस मुझे अच्छा लगता था, बचपन से उछलना कूदना ज्यादा पसंद करती थी, तो डांसिंग में बस पसंद था। तो जब एडमिशन करवाए थे तो उतना कुछ सीरियसली लिए नहीं थे, फिर धीरे 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 इसको जब समझने लगे कि हाँ ये चीज मुझे अच्छा लगने लगा है, तो इसको मैंने प्रोफेशन भी बना लिया, इसको ड्रीम भी बना लिया मैंने, और इसी को जिंदगी बना लिया। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इन दिनों वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। आपने वेस्टर्न को छोड़कर क्लासिकल डांस क्यों चूज किया? वेस्टर्न और क्लासिकल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहली है कि मुझे इसका कॉस्ट्यूम, इसके बोल, इसके मतलब जो फॉर्म है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो वेस्टर्न के मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है। और जिसके कारण मैं कथक में ही ज्यादा रहना चाहती हूँ, मुझे ये पसंद है इसीलिए। अब तक आपने डांस कहाँ का परफॉर्मेंस किया? ज्यादा कि मैं लोकल में ही करती आई हूँ, जहाँ पे मेरा खुद का क्लासेस है कुल्टी में, और इधर ज्यादा मैं की नहीं हूँ, निरसा में किए हैं हमने, और ज्यादा कुल्टी में ही मैंने परफॉर्म किया है। कुछ चैनल के अंडर भी आपने काम किया है? ऐसा कोई परफॉर्मेंस हो जो आपको लगता हो कि अच्छा लगा हो, जो लोग बहुत पसंद किए हो? हाँ, कुल्टी में ज्यादा कि मैं रविंद्र नृत्य ज्यादा करती हूँ, तो कुल्टी में जब भी मुझे बुलाया जाता है तो डिमांड पब्लिक का यही रहता है कि रविंद्र नृत्य ही मैं करूँ, तो उनमें से एक टाइम मैंने परफॉर्म किया था, जो मैंने फुल नाइट जग के उसका रिहर्सल किया था, तो वो परफॉर्मेंस पब्लिक को बहुत पसंद आए थे, तो उसमें आज भी मेरी तारीफ होती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा वो परफॉर्म करके। अच्छा, हर कला का अपना अपना महत्व होता है, तो ये जैसे क्लासिकल नृत्य है, इसका कुछ क्या महत्व है, इसमें क्या डिफिकल्ट है, कोई अगर सीखना चाहे तो क्या उसके सामने चैलेंजेस आएगा? चैलेंजेस कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। बस ये एक ऐसा, मैं तो इतना जानती हूँ कि कोई भी आप परफॉर्म करो तो दिल से करना पड़ेगा, कोई भी चीज करो तो दिल से करना पड़ेगा, जो दिल से करोगे तो वो आपके लिए आसान होंगे। और सब सोचते हैं कि नहीं, कथक या फिर क्लासिकल बहुत बोरिंग होती है और नहीं करना मुझे, ये अच्छा नहीं है, तो ये गलत बात है। कथक और क्लासिकल फॉर्म बहुत ही अच्छे फॉर्म है, अगर कोई दिल से इसको अपनाना चाहे तो इसको वो अपना जिंदगी बनाने में उनको ज्यादा टाइम लगेंगे नहीं। आप तो क्लासिकल डांस से जुड़े हो, आपका इसमें रोल मॉडल कौन है, किसको आप अपना गुरु मानते हो? ऐसे तो मैंने जिनसे सीखा है उन्हीं को अपना गुरु मानती हूँ मैं। क्या नाम उनका? जी, उनका नाम है रूपा सेठ। अच्छा। ठीक है, रूपा सेठ और पार्थ सेठ, और उन्हीं से मैंने ज्यादा सीखा है। और सबसे पहले मैंने सीखा है काबेरी दे,
वो कुलटी की है, वो भी मैंने काबेरी मैम से सबसे पहला जो स्टेप मैंने सीखा उन्हीं से सीखा है। और उसके बाद मैं आगे बढ़ी थी रूपा सेठ से, और उसके बाद वो बैंडल में रहते हैं मेरे सर है किरण जी दत्ता, उनसे सीखा है। और अगर मैं किसी को देख करके अगर मैं ज्यादा मतलब आगे बढ़ना चाहती हूँ तो वो है देवेश मिर्चंदानी सर, उन्हीं को देख करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। फ्यूचर में तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो? ये तो ज्यादा डिफिकल्ट है। फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं अपने आप को थोड़ा और ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैं चाहती हूँ। नहीं, लोग तो आपको जानने पहचानने लगे हैं, कुछ दिन के बाद आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। आपका लाइफ में आपके पेरेंट्स का क्या रोल है, मम्मी पापा क्या रोल है? उनका रोल मेरे लिए बोल सकते भगवान जैसा ही है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन दोनों के वजह से ही हूँ। आज अगर मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं होता शायद ही मैं इतने आगे तक नहीं बढ़ सकती थी। तो मैं ये बहुत प्राउड फील करके बोल सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं कुछ लड़कियां जो सीखना चाहती हैं लेकिन उनको उनके प्रॉड्स उनको उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, वैसे उसको उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि बच्चे को कोई चीज के लिए फोर्स ना किया जाए, बच्चे को जो दिल में जो चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है बच्चे वही करे। बच्चे को अगर डांसिंग में इंटरेस्ट है तो बच्चे वही करे, क्योंकि मैं जानती हूँ फोर्सफुली बच्चों से कोई कुछ नहीं करवाया जा सकता है, नहीं तो फिर चीज बहुत खराब हो सकती है। तो अगर उनको अगर डांसिंग में इंटरेस्ट है तो मैं इतने बोलूंगी करने दे, कोई खराब चीज है नहीं, डांसिंग एक अच्छा फॉर्म है, प्लेटफॉर्म अगर अच्छा मिल जाए तो वो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यही बात है। वेस्टर्न डांस को ज्यादा हम लोग देख रहे हैं आपका ग्रोथ हो रहा है, क्लासिकल क्यों नहीं ग्रोथ हो पा रहा? ये तो आजकल के बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को क्लासिकल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उन लोगों को वेस्टर्न ज्यादा पसंद है। और अगर वो लोग चाहे तो वेस्टर्न सॉन्ग में भी वो लोग क्लासिकल परफॉर्म कर सकते हैं। क्लासिकल एक ऐसा फॉर्म है कि आप कोई भी सॉन्ग पे परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, ऐसा आप मत सोचो कि नहीं वेस्टर्न सॉन्ग है तो मुझे वेस्टर्न ही करना है, आप एक बार करके देखो अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्लासिकल फॉर्म, एक बार करके देखो आप लोग बस। नाम क्या हुआ? कृष्णा दास। आपको कब लगा कि बेटी को डांसर बनाना चाहिए? हम जब ये लोग पैदा होने वाले थे उसी टाइम से हम ये कर लिए, डिसीजन कर लिए एक तो को हम तो ये बनाएंगे, डांसर बनाएंगे। क्लासिकल डांसर बनाओगे ये कब सोचे थे? ये हम सोचे नहीं है, डांस क्लास में दिए है। अब डांस क्लास में वो लोग क्या सिखाया वो हमको तो मालूम नहीं है, वही हिसाब से ही गई। अच्छा, कैसा लगता है जब बेटी को देखते हैं परफॉर्मेंस करके लोग तालियां बजाते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगे भी है। सबसे बड़ा बात है अपना बच्चा साज उज के निकालते है तो आपने बहुत प्राउड फील होता है। फ्यूचर में सर क्या उम्मीद है आपको? हमको तो उम्मीद है और आगे बढ़े। अच्छा। आगे जाए बहुत नाम करे, इतना मेहनत करके किए है उसको। डांसिंग का शौक आपको भी रहा होगा? शौक तो था, मेरा पिताजी उतना काबिल नहीं था। अच्छा। और उसी टाइम हम लोग का उधर ऐसा मैंने उतना स्कूल फिस्कूल भी नहीं था सामने में, तो मेरा मम्मी लोग नहीं किए है। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा, लोग क्या कहते हैं आपके रिलेटिव वाले क्या कहते हैं इनके बारे में जब डांस करती है तो? ठीक है बोलते है। अच्छा। अच्छा करती है। अच्छा। हम लोग का खानदान में ये दोनों बेटी जो निकल गई ना एकदम सबसे अलग। अच्छा। मेरा बेटी दोनों। अच्छा, ये लोग खानदान का नाम रोशन की है। ये डांस कर रहे हैं, हम लोग का खानदान में कोई डांस नहीं। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा हमको मालूम नहीं है, ये लोग को देख के। बड़ी वाली बेटी भी यही है तो वो भी हम बाहर में लेके उसको पढ़ाए हैं, हम लोग का खानदान में कोई आज तक किया नहीं है, अभी नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है। क्या नाम हो आपका? कल्याण कुमार दास। आप किस प्रोफेशन में भी हो? हम मेडिकल लाइन में ओटी असिस्टेंट है। बेटी को जब आप परफॉर्मेंस करते हो देखते हो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या लोग बोलते हैं कि बेटिया बहुत कुछ कर सकती है? बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। मैं तो उस जगह पर जाकर के नहीं देख सकता लेकिन कभी कभी मोबाइल में आकर के दिखाती है तो उसे देख के बहुत खुश लग आता है।
जिन घर में बेटियां होती है वहाँ पर लोग देखते हैं मायूसी छा जाती है, उसके लिए क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए? नहीं ऐसा तो बात नहीं है, मेरा दोनों बेटी ही बेटा है। अच्छा, दो ही बेटी है लेकिन हम दोनों को बना कर रखे हैं। ये अपना बड़ी बहन को अपना दीदी नहीं बोलती है, भैया बोल कर बुलाती है। अच्छा, हम शुरू से ही बचपन से ही बोल दिया तुम लोग मेरा बेटा हो, तुम लोग मेरा बेटी हो। फ्यूचर में इनसे क्या आपको उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत किए हुए हैं। अच्छा, अब ऊपर वाला जाने की कहाँ तक इसको पहुँचाएगा। मेहनत लेकिन कर रही है, मेहनत कर रही है। आप इनका साथ दोगे? हम साथ तो दे रहे हैं लेकिन हम उनको बोलेंगे यहाँ चल करके कीजिए, उसमें हम नहीं जा पाते हैं। वहाँ पैसा मांगे पैसा से हम साथ इसको दे सकते हैं तो आगे बढ़ो। अभी जैसा कहाँ एडमिशन लिया रामकृष्णा में, तो पैसा हम देने के लिए तैयार है जो तुम आगे बढ़ो। बड़ी बेटी जैसे वहाँ कर रही है उसको भी हम आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार रहते हैं।